हेलो दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली। दोस्तों, हमारे देश भारत में एक बार फिर से नोटबंदी लागू कर दी गई है। पहले 500 के नोट और 1000 के नोट को बंद किया गया था और अब दोबारा से 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसका आदेश दिया है। आज हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के अधीन आती है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके पूरी डिटेल से बताया है कि अब 2000 के नोटों को हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, सर्कुलेशन है, उसमें से वापस लिया जा रहा है। अब 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद मार्केट में नहीं चलेंगे और उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। 2016 में भी जो नोटबंदी की गई थी, उसमें गवर्नमेंट ने तर्क दिया था कि जो भी ब्लैक मनी है, काला धन है, वो हमारे वापस हो जाएगा और इससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन जो आम लोग हैं उनका कहना है, या जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि उस नोटबंदी से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें क्या क्या कहा गया है। RBI ने जारी प्रेस रिलीज में कहा है कि 2000 के डिनोमिनेशन बैंक नोट नवंबर 16 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जब 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। उस समय मांग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 के नोटों को लाया गया था। 2000 के नोटों को इंट्रोड्यूस करने का मकसद पर्याप्त मात्रा में लोगों को पहुंचाना था, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। 2000 के नोट को 2018-19 से छापना बंद कर दिया था। आगे प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है कि 89% 2000 के नोट मार्च 2017 में इश्यू किए गए थे, इनकी लाइफ लगभग 5-6 साल की थी। 31 मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ सर्कुलेशन में थे, जो कि 31 मार्च 2023 को घटकर 3.62 लाख करोड़ रह गए थे। कुल नोटों का सिर्फ 10% ही 31 मार्च 2023 को सर्कुलेशन में था। आगे इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि कॉमनली लोग 2000 के नोट का ट्रांजैक्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्लीन नोट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए और उसका पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से निकाला जाएगा, लेकिन ये कानूनी तौर पर मान्य होगा, 2000 का नोट अवैध नहीं होगा। ये भी कहा गया है कि पब्लिक के लोग 2000 के नोटों को अपने किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं और उसको बदलवा भी सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं होगी। बैंकों की सहूलियतों को देखते हुए और रोज के काम में व्यवधान से बचने के लिए ₹20,000 के नोट बदले जा सकते हैं, जो कि 23 मई 2023 से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ये मैंने आपको प्रेस रिलीज दिखाई RBI की कि RBI ने क्या क्या इसमें कहा है और क्यों नोटबंदी की जा रही है। इस नोटबंदी पर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जब सरकार को ये नोट बंद ही करने थे तो सरकार इन नोटों को क्यों लाई, क्योंकि ये अननेसेसरी या अनावश्यक बोझ है, खर्चे का बोझ है, क्योंकि इसका पैसा भी हमारी पब्लिक से लिया जाएगा और ओवरऑल इसका भार पब्लिक पे बढ़ेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि नोट जो है वो फ्री में नहीं छापे जाते, उस पर भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब 2000 के नोट आए थे मार्केट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इश्यू किए थे, उस दौरान कुछ मीडिया के लोगों ने ये कहा था कि इस 2000 के नोट में एक नैनो चिप है और ये नैनो चिप बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, ये ट्रांसमिशन के जरिए पता लगाएगी कि कहां पर नोट रखे हुए हैं। अगर कोई कुएं के अंदर भी नोट रख देता है तो ट्रांसमिशन के द्वारा ये पता चल जाएगा कि यहां पर नोट रखे हुए हैं, तो उसको जो भी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है या कोई और डिपार्टमेंट है, वो पता लगा सकता है कि नोट कहाँ पर है।
तो वो वहाँ पर छापा मार सकते हैं और ब्लैक मनी के रूप में अगर वो पैसा रखा हुआ है तो उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ मिथ्या थी, झूठ थी, झूठ के अलावा कुछ नहीं थी। तो वो दोस्तों ये आपने देखा कि मीडिया के लोग किस तरह से भ्रम फैला रहे थे। इस नोटबंदी पर इकोनॉमिस्ट लोग कह रहे हैं कि इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है, इससे और इकोनॉमी डाउन होगी। जिस तरह से पहले इकोनॉमी डाउन हुई थी, लोगों को परेशानियां हुई थी, उसी तरह से फिर से लोगों को परेशानियां होगी। मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने अभी इस नोट पर पाबंदी नहीं लगाई है। सिर्फ आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में यह कहा है कि जो 2000 के नोट हैं इनको जो सर्कुलेशन है मार्केट में इसको रोका जाएगा और नोट विड्रॉ किए जाएंगे। कोई अभी इस नोट पर पाबंदी नहीं है। 30 सितंबर के बाद ये नोट मार्केट में नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 सितंबर के बाद ये नोट अवैध हो जाएंगे और मार्केट में नहीं चलेंगे। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि मेरा एक चैनल बहुत अच्छा है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको इस तरह का एक घंटी का निशान दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना है। घंटी पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल पर क्लिक करना है। जब आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी अपने चैनल पर कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप मेरा वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ये जो नोटबंदी की जा रही है, 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है, क्या ये देश हित में है या इससे जो हमारे देश की इकोनॉमी है इसको लॉस होगा। आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इससे देश को क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।